If you feel awkward talking about it, then this show is for you. Hello everyone, you're watching ScreenSick, और आज हम रिव्यू करने वाले हैं Netflix की एक बहुत ही एक्सेप्शनल शो का जिसका नाम है Sex Education. So let's dive into it. All I feel is blue. आज के वक्त 21st सेंचुरी में भी लोग इन चीज़ों के बारे में बात करने से हेजिटेट करते हैं और सेक्स एजुकेशन जैसे सेंसिटिव और मच नीडेड टॉपिक के बारे में वर्ल्ड वाइड अवेयरनेस वाया टेलीविजन भी बहुत डिफिकल्ट है. ऐसे में Netflix जैसे बड़े और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर डायरेक्टर्स और फिल्म मेकर्स को भी बहुत फ्रीडम मिलती है अपने मन चाहे कहानियों को दिखाने का, जहां ना क्रिटिक्स का प्रेशर हो और ना ही सेंसरशिप का. इसी विजन के साथ राइटर लॉरी नन और डायरेक्टर बेन टेलर ने Netflix पर रिलीज़ की सेक्स एजुकेशन, जो कि आज एक जनरेशन डिफाइनिंग वर्ल्ड वाइड टीन ड्रामा फेनोमेना बन चुकी है. दिस सीरीज इज ट्रूली एक्सेप्शनल एंड वन इन अ मिलियन. अगर आप इस शो को किसी गलत इंटेंशन से देखने का फैसला करते हैं तो आप बहुत ही डिसअपॉइंट होने वाले हैं. हाँ, माना कि इसमें न्यूडिटी है, बट दिस शो स्टिक्स टू इट्स टाइटल. ये सच में एक एडुकेशनल सीरीज है अबाउट सेक्स, बट इट इज डेफिनेटली 18+. ये एक टिपिकल टीनेज हाई स्कूल ड्रामा है बेस्ड ऑन अ टाउन इन ब्रिटेन. इस स्टोरी की शुरुआत होती है ओटिस से, जो कि एक सोशली ऑकवर्ड टीनेजर है जिसकी लाइफ में खुद बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें से सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उसकी मॉम एक सेक्स थेरेपिस्ट है, जिसकी वजह से ओटिस को इस फील्ड में कुछ अच्छी खासी नॉलेज होती है क्योंकि उसकी मॉम ओटिस से कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक है, जो कि ओटिस को बिल्कुल भी पसंद नहीं. ओटिस का बेस्ट फ्रेंड है एरिक, जो कि एक ब्लैक गे टीनेजर है जिसे ड्रेसअप और मेकअप करना पसंद है. ओटिस मूडे हाई स्कूल में पढ़ता है, जहाँ पर वो मिलता है मेव से, जो कि एक कम्प्लीट बैडएस और सीक्रेटली जीनियस है. एक सिचुएशन की वजह से मेव को पता चलता है कि ओटिस एक सेक्स थेरेपिस्ट का बेटा है और उसे इन चीज़ों का एक्सपीरियंस भी है. फिर ओटिस और मेव मिलकर एक बहुत ही यूनिक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ अ सेक्स क्लिनिक, जहां वो पैसों के बदले अपने स्कूलमेट्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और उन्हें सजेशंस देते हैं. ये पूरी सीरीज बहुत ही ऑकवर्ड है और उससे भी ज़्यादा फनी है, इतनी कि आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे. इस शो से अगर आप सेक्स क्लिनिक वाले पार्ट को हटा दोगे, जो कि सिर्फ 30% है, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि ये बहुत ही नॉर्मल टीन हाई स्कूल ड्रामा है. पर इस शो में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई गई है जिसके बारे में बात नहीं की जाती, और यही चीज़ें इस शो को इतना यूनिक और इन्फॉर्मेटिव बनाती है, जैसे कि LGBTQ कम्युनिटी. आजकल ये टॉपिक फिल्मों और शोज़ में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है और इसे काफ़ी रिकॉग्निशन मिल रही है. और इस शो में होमोफोबिया के बारे में भी दिखाया गया है, कैसे सोसाइटी कभी कभी इन कम्युनिटी को एक्सेप्ट नहीं करती और इन्हें कितना हेट्रेड सहना पड़ता है, खासकर अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी. इस सीरीज़ में सेल्फ डिस्कवरी को काफ़ी क्रिएटिवली दिखाया गया है कि हमारी चॉइस ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है और क्या नहीं. इसमें दिखाया गया है कि टीनएजर्स में कितनी सारी मिसकंसेप्शन होती है और बच्चे हेल्प मांगने से कितना हेजिटेट करते हैं. इस शो में बहुत सारे रियलिस्टिक इश्यूज ही दिखाए गए हैं, इसलिए ये शो इतना वर्थ वॉचिंग है. एक बहुत ही रेयर और फॉरगॉटन इशू इसमें देखने को मिलता है, जो कि है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, कैसे कुछ लोगों का प्राइड उन्हें सही और गलत के बीच में फ़र्क करने से रोकता है. बिसाइड्स ऑल द इशू, मोर ओवर ये एक लव स्टोरी भी है, ओटिस और मेव की लव स्टोरी. अपने बिजनेस के प्रोसेस में कैसे दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं पर दोनों ही कन्फेस करने से डरते हैं. इस शो से एक और चीज़ सीखने को मिलती है और वो है लविंग योरसेल्फ और सेल्फ एक्सेप्टेंस. इस शो के सीन्स और मोमेंट्स आपको बहुत ही हिलेरियस लगेंगे. हाँ, ये शो इतना ऑकवर्ड है और वही इसे इतना फनी और ग्रेट बनाती है, स्पेशली टीनेजर्स के लिए. इस सीरीज़ के अब तक 2 सीजन्स आ चुके हैं और नेक्स्ट ईयर शायद 3rd सीजन भी आ जाएगा. इस शो की रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है, IMDb पर 8.3 और रॉटन टोमेटोज पर 94%. ऑल इन ऑल, दिस इज अ मस्ट वॉच शो फॉर एवरीवन. That's it for today. If you enjoyed the video, please do give it a like and don't forget to subscribe to my channel. Thanks for watching.